ना मेरी बच्ची, तू तो मेरी परी है, तू परी कैसे हो सकती है? तू तो मेरी सबसे अच्छी बेटी है। तो फिर मैं उन्हें पापा क्यों नहीं बोल पा रही? इसे कैसे बताऊं कि जो इसका दिल कह रहा है वही सही है, देवर इसका पापा नहीं है? बोलो ना। अच्छा ये बता, जब तू गाना गाती है तो गाना कैसे निकलता है? अंदर से निकलता है ना, यहाँ से ना? और रुकता नहीं है, ऐसे निकलता जैसे उल्टी निकल। हाँ है ना, ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तू संगीत से बहुत प्यार करती है, इसलिए। पर जिस दिन तू अपने पापा से प्यार करेगी ना, वैसा वाला, तब होगा ये, तब निकलेगा तेरे मुंह से। क्या साथ था पर याद पूरी है, क्या दूर मुझसे तेरा यूं जाना जरूरी है। तुझे रोकने से खुद को रोकने का आंसू, आंखों में मेरी आया फिर छोड़ने का आंसू, आंखों में मेरी आया घर छोड़ने का आंसू। सच्चा वादा, लेकिन जब तक ऐसा ना हो बेमन कहने की कोई जरूरत नहीं है। पक्का वादा? सच्चा वादा। वही तो, ये और बप्पा जी के आपस में यही बात चल रही थी, अब आपने कह दिया तो घर भी तैयार बैठ गया। थैंक यू। उम्मीदें बांध के चलती है ये बच्ची। अगर कल देवर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ गया, इसकी मां बना कर दो, क्या होगा? मेरे पास तो देवर के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। शास्त्रों में भी लिखा है कि माँ भगवान का रूप होती है, और जिसने माँ का दिल जीता उसने सारी दुनिया जीती। लेकिन आज तो माँ और बच्चे दोनों को जीतना है, तो खेल शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को रूल समझा देता हूँ। आज के इस प्रतियोगिता में 3 राउंड होंगे, और जो माँ बच्चे की जोड़ी सबसे ज्यादा राउंड जीतेगी वो पहले नंबर पर आएगी। Princess, good luck. Thank you. ये तेवर कहीं नजर नहीं आ रहा, उसने कहा है वो कुल्फी की मां को लेकर आएगा, कहीं कुल्फी का दिल ना टूट जाए। आ जाओ मां, देर मत करना। आ जाओ मां, देर मत करना। मैंने सुना है कि तेरी माँ आने वाली है, कहाँ है वो, अभी दिखाई नहीं क्या?
हाँ जी हाँ जी, मैं भी उसी का रास्ता देख रहा। देवर जी उसे लेने गए, वहाँ अभी आती होगी बस। मुझे पता है तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता तो स्कूल भी नहीं जाती, लेकिन तू इतनी स्टूपिड, आई मीन बेवकूफ कैसे हो सकती है? तुझे इतना भी नहीं पता क्या कि दिन में तारे नहीं निकलते, और अगर तेरी माँ दादा बन गई है तो कैसे आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है मेरी जी, जादू से। देवर जी ने मुझे सब समझाया। जैसे महादेव जी ने गणेश जी के साथ जादू करके उनके सर की जगह हाथी का सर लगा दिया था ना, वैसे ही देवर जी भी जादू करेंगे। I think बल्ले बल्ले देवर जी, तुझे कोई स्टोरी सुना के उल्लू बनाया, क्योंकि जादू में कुछ नहीं होता। होता है, मेरे मामा को भी आता था, मैं चाहे जितना भी दूध पी लेती थी ना, मामा फिर से उतना घटना ही कर देते थे। तू है ही बेवकूफ, तेरे मामा भी तुझे बुद्धू बनाते थे और बल्ले बल्ले देवर भी बना दे। मैं बुद्धू नहीं हूँ, मामा सच में ऐसा जादू कर लेते थे, सच्ची। लाला झूठी झूठी पांच बीजी थी, झूठी नहीं सच्ची, झूठी 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 सच्ची, झूठी झूठी एकदम झूठी, सच्ची सच्ची एकदम सच्ची। कुल्फी हमारे साथ खेल में हिस्सा लोगी? ये तो बल्ले बल्ले तेवर है, इन्होंने लड़की का ड्रेस क्यों पहना है? आज तो फैंसी ड्रेस भी नहीं है, कुल्फी के डैड कुल्फी की मॉम बन के आए। क्या हो गया? जब आपकी माँ, आपकी माँ और बाबा दोनों हो सकती हैं, तो आपके पापा आपकी माँ और बाबा क्यों नहीं हो सकते? तेरी माँ ने तुझे कितनी बार समझाया ना कि तेरी माँ भी वही है और तेरा बाप भी वही है। जैसे लग रहे हो, वो भी ऐसी तैयार होती थी। पर ऐसे कैसे हो सकते? आओ बिटिया, आज के खेल हम ही जीतेंगे।